क्या आपका भी जेई मेन्स या फिर जेई एडवांस एग्जामिनेशन आ रहा है या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो एंड आप मॉक टेस्ट देने का सोचते भी हो शायद आप मॉक टेस्ट देते भी हो लेकिन फिर भी आपको मार्क्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है

ट इज अपनोर सिंह आपको बता दू मैं कि एक एंड ओनली चीज की इस रेस में आगे कर सकती है इज मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट अलोन बट मॉक टेस्ट सब लोग करते हैं सब लोगों को पता है कि हमें फुल पेपर करने हैं लेकिन फिर भी लोग सही से नहीं करते हैं इसको लोगों को सही तरीका नहीं पता होता लोग सही एनर्जी से नहीं करते सही एंथुजियाजम से

तो ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर के विद देयर सोल्यूशन विल हेल्प यू नॉट ओनली बूस्ट योर रैंक बल्कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प करेंगे सो यू कैन चेक दिस आउट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर बाइंग दिस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल के जे मेंस के लिए तो चलो कमिंग बैक रोलिंग बैक टू टॉपिक सबसे पहली चीज यार मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाने वाला हूं ऑफ डूइंग मॉक टेस्ट दैट इज द सेट प्रिंसिपल सेट एकदम सेट हो जाते हो ना मतलब सेट पढ़ाई में सेट ई टी सेट सेट में एस स्टैंड फॉर सिलेबस

सकते हो ई बोलता है एनवायरमेंट

अब आप बैठते हो पेपर दे दिया आपने ठीक है यू गो बैक यू कैलक्यूलेट योर मार्क्स अगर आप जय मेन्स फॉर एग्जाम्पल दे रहे हो आप तीन सौ में से अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए

लेवल स्कोर को फिर इंप्रूव करने की कोशिश करो फिर जब वो स्केल तो आप टेंशन मत लो लेकिन अपना स्कोर चेक करना बंद मत करो बहुत सारे लोग इस रियालिटी से दूर भागते हैं बहुत सारे लोग डरते हैं इस रियालिटी से बट नो पॉइंट यू नो अभी डरने से बिकॉज बाद में अगर रिजल्ट से आप डरोगे एक्चुअली तब आप डर ही नहीं पाओगे तब वो सीधा फिर रिजल्ट ही आएगा तो उससे बेटर अभी डर लो जितना डरना है अभी समझ लो जनी रियालिटी है एंड कैलकुलेट योर मार्क्स दैट स्टेप नंबर टू तो स्टेप नंबर वन सेट होके पेपर दिया है स्टेप नंबर टू यू चेक योर मार्क्स थर्डली uh, अब रिव्यू पे आते हैं ठीक है सबसे पहली चीज जो है रिव्यू की यू हैव टू विजिट एवरी क्वेश्चन वेन यूर रिव्यू इन द पेपर पहली बात तो मैं एक रिकमेंडेशन है यार यहां पे ब्रेक जरूर ले लेना आफ्टर यू हैव चेक योर मार्क्स चेक कर लिया करो मार्क्स यूजअली uh, बिल्कुल पेपर देने के बाद ही एंड देन यू टेक सम ब्रेक रिलैक्स हो जाओ उसके बाद uh, रिव्यू का स्टेप नंबर जो एक है वो है यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई नो इट टेक्स टाइम आई नो आपको रिव्यू टाइम फिर और बढ़ जाएगा लेकिन इट इज वर्थ इट अब ऑब्वियसली अब बहुत आसान क्वेश्चन है आपको देखते समझ आ जाएगा हाँ, ये बहुत आसान था और मैंने इसको 30 सेकंड, 20 सेकंड में किया है। then, लेकिन कई बार, बार, हाँ बार एग्जाम में थोड़ा सा गैस वर्क करते, करते हैं कि यार, शायद इसका न, ये मतलब होता होगा एंड यू मार्क एन आंसर तो जब आप रिव्यू में आओगे वापस आओगे उस क्वेश्चन पे तो आप री कर लोगे कि हाँ जो मैं तब सोच रहा था वो सही है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा साथ ही अगर आपने कोई तुक्का भी मारा होगा तो आप उस क्वेश्चन को मार्क करके उसका असली जो मोटिव था क्वेश्चन का या जो असली कॉन्सेप्ट है वो समझ पाएंगे ठीक है नेक्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट टाइम प्रेशर अब आप देख लिया आपने क्वेश्चन देख लिया उस क्वेश्चन को आप कोशिश करो विदाउट टाइम प्रेशर एक बार सोल्व करने की कई बार ऐसी चीजें होती है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज आपके पास टाइम नहीं था पेपर में या आपने मॉक टेस्ट देते टाइम सो नाउ ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट दैट टाइम प्रेशर अब मान लीजिए आपके साथ वो भी हो गया uh, अगर वो हो गया क्वेश्चन वेल एंड गुड वेरी गुड आप चेक

ट्राई टू यू नो कवर द क्वेश्चन एंड रफली सॉल्व द क्वेश्चन वंस। अगर तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है केमिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन है तो ठीक है नॉट अ नीड लेकिन कुछ सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है एक बार

एक्सपर्ट बन जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड एंड एट द यू 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 हैव हैव टू टू बी बी एन एक्सपर्ट इन डोंट नो या आपको कोई ऐसा एक्यूरेसी uh, की तरफ नहीं जाना आपको एक एक्सपर्ट एंड स्मार्ट टेस्ट टेकर बनना है आपको ये स्किल्स आने चाहिए uh, finally, द लास्ट स्टेप इज अब उस क्वेश्चन को स्टोर कर लो फॉर द फ्यूचर स्टोर कैसे करते हो यार मैंने आपको कई बार दिखाई हैं आप नोटबुक uh, में लिख सकते हो आप एक मॉक टेस्ट नोटबुक बना सकते हो इफ यू प्रिपेरिंग फॉर द इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू मेक दिस मॉक टेस्ट नोटबुक एंड उसमें आप लिख लो क्या क्वेश्चन था आपने क्या गलती करी एंड ये नया तरीका आप सीखे हो या फिर आप क्वेश्चन के स्क्रीन शॉट्स अपने फोन में रख सकते हो या किसी में रख सकते हो ट्राई नॉट टू मेक दैट अ बिग ग्रंथ मतलब बहुत सारी फोटोज या बहुत बड़ी नोटबुक मत बनाओ बेयर मिनिमम चीजें रखो उसमें

कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं आपको पता चल चु, चुका है कौन से वीक आपके टॉपिक्स आपको पता चल चुका है एंड जो वीकल टॉपिक्स हैं उसको फिर आप स्टडी कीजिए उस पे आप मेहनत लगाइए उसके और क्वेश्चन सॉल्व करिए उस स्पेसिफिक टॉपिक के एंड यू आर गुड टू गो दैट इज द ओनली वे टू यू नो सॉल्व क्वेश्चंस डू मॉक टेस्ट एंड ये मॉक टेस्ट का तरीका एक बार 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 एंड तक करोगे आप तो आप पक्का पक्का से प्रॉमिस है मेरा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे जे के लिए ठीक है सो होपफुली दिस वाज इंसाइटफुल होपफुली आपको ये हेल्प करेगा थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन और आपको किस चीज पे ऐसी डोंट uh, एफ वाली सीरीज चाहिए uh, मुझे जरूर बता देना एंड वील मेक अ वीडियो अबाउट दैट वेरी वेरी सुन स्टे से स्टे हेल्थी की प्रिपेरिंग गाइज एंड मच रहो बाय Stable, oh yeah No label, oh yeah You know me